घर देखने गई थी ना, क्या बना? कुछ नहीं, मम्मी आपका ब्रेसलेट कहाँ गया? अपनी गलतियों की कीमत चुका कर आई नासिर का मुंह बंद करने के ब्रेसलेट दे दिया। मम्मी वो डैडी ने आपको एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। जानती हूँ मैं, सरजनिश करने की बजाय तुम मेरा साथ तो दे सकती हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी अजियत में हूँ? कैसे साथ दूंगी आपका? जब आंख खुल जाए तो सूरज की मौजूदगी का इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ आपकी है ना, और आपके गुरूर का नतीजा जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है। क्या चाहती हो तुम? अपने इल्जामात, अपने ताने तशनों से मेरी रूह को तकलीफ देना चाहती हो तुम? लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जो भी कुछ तुम्हारे माँ बाप ने किया, तुम लोगों की, अपने बच्चों की बेहतरी, उनकी खुशियों के लिए किया। मैंने क्या बुरा चाहा था? यही ना कि मेरी बेटी की शादी किसी ऊंचे घर में हो। मुझे क्या पता था कि वो ऊंचे घर आने वाले इतनी पस्त ज़हनियत के निकलेंगे, हमारे कांधों पे चढ़कर ऊपर जाएंगे, और जब हम गिरेंगे तो हमें मजीद खाई में धकेल देंगे। ये चाहा था मैंने। ये बेटे की खुशियां चाहती थी ना, और दूसरों के बेटे के साथ क्या किया आपने? हरी भाभी के आंचल में जो आग आपने सुलगाई थी, उससे मेरा मुस्तकबिल जलकर राख हो गया। मम्मी बकवास बंद कर। मैं बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी और जबान दराजी बर्दाश्त कर रही हूं। दे दिया मैंने अपना ब्रेसलेट, मेरे लिए भी है अमिताभ, वो मेरी भी कोई इमोशनल अटैचमेंट थी उससे। किसके लिए दिया मैंने? तुम्हारे लिए, हाइस के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। मैं जितना इस आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही तुम उसे कुरेदती हो। मां के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते, नमक तो ना छिड़को ना बा। मैं आपके जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रही, मैं तो आपके सोए हुए जमीर को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक आपका जमीर नहीं जागेगा, भाई और भाभी के दरमियान में जो बदगुमानियां होंगी वो कभी भी खत्म नहीं हो पाएंगी। उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उन दोनों का घर बर्बाद कर दे। बस खामोश हो जाओ। उसकी आधी जिंदगी तो मेरे मरने की ख्वाहिश में गुजर गई। पागल लड़की, अगर जान लेती कि उसकी जिंदगी भी कितनी कम है तो इस ला हासिल ख्वाहिश के चक्कर में अपना वक्त ना जाया करती। मरना मेरे इख्तियार में नहीं था,
वरना शायद मैं अपने बेटे की खुशियों की खातिर ही सही ये नजराना खुद पेश कर देती। मैं मर जाती, जिल्ले हुमा जीती रहती, खुद भी खुश रहती और मेरे बेटे को भी खुश रखती। आंटी, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दें सेहत के साथ। मुदस्सिर सर के लिए आपका होना बहुत जरूरी है, उन्हें पहले से ज्यादा जरूरत है आपकी। बेटा, मेरी जिंदगी तो एक बेरंग तस्वीर है जो शायद किसी खाली दीवार की तन्हाई तो बांट लेती, लेकिन रंगों में नहीं बोल सकती। आप मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर है और मोहब्बत की जबान हर जबान से ज्यादा कीमती और मीठी होती है। मुदस्सिर सर बहुत अच्छे हैं, जिंदगी कभी उन्हें तनाव और मायूस नहीं देख सकती। जो दूसरों की मदद करते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं, खुशियां उनकी तलाश में रहती हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है कि उसके हिस्से की खुशियां भी उसे ना मिल पाए। मेरे गलत फैसलों की सजा मुदस्सिर नहीं भुगतेगा। माँ, ये वक्त जिल्ले उमा की बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करने का है। जिंदगी में तो वो अपनी मनपसंद खुशियां हासिल नहीं कर सकी, बस दुआ करें कि यह आखिरी मंजिल सुकून और खुशी से तय कर ले। आमीन, आमीन। मैं सरीम आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपका दिन बहुत हेक्टिक गुजरा है, आपने अकेले सब कुछ मैनेज किया है। आई एम ग्रेटफुल। सर, आपने मुझ पर इतना यकीन किया, मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। दुख की इस घड़ी में मैं आपकी फैमिली के किसी भी काम आ सकूँ मुझे जरूर बताइएगा। आंटी, इजाजत? इजाजत तुम्हें एक शर्त पे मिलेगी। तुम वादा करो कि मेरे पास आती रहोगी, मुझसे मिलती रहोगी। इंशाल्लाह, जरूर। चलो बेटा, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, आप बैठिए। सर, मैं मैनेज कर लूंगी, आप आंटी के साथ वह गुजारिए। अच्छा बेटा, बेटा तुम जरा जाके उसे घर छोड़ो, रात काफी हो गई है।